हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कांसर क्लासेस तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कांसर क्लासेस में तो yeah. so, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री

आपको पता होना चाहिए पेलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि

जस्ट बिकॉज दे आर फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स पैलोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजस्टेंड एंगल यानी जो जस्ट पड़ोसी एंगल होते हैं क्या बनाते हैं वन एटी डिग्री बनाते हैं द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू पे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्रामस दीस आर द फिगर्स यू नीड टू फाइंड द अननोन वैल्यू एक्स वाई एंड जेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट सो इन दिस फिगर यू विल सी हियर दिस इज 100 डिग्री ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो वाई विल बी ऑल वी वाई आल्सो इक्वल टू 100 डिग्री वाई

which is equal to 80 degree and what about your z if x is 80 the z will be equal to x which is 80 degree opposite angle of parallelogram so this is the particular case how you have to write and uh, how you can solve the particular question now here you can see this is 50 this is the opposite side so this is also 50 degree why because they are forming अपोजिट एंगल्स ऑफ पेडोग्राम तो सपोज दिसल ने तो ये क्या हो जाएगा डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ पेडोग्राम हो गए लिख लीजिए अपोजिट एंगल ऑफ पेरोग्राम यू नीड टू फाइंड दैल्यू ऑफ जेड फर्स्ट बिकॉज यू नो दैल्यू ऑफ वन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल वन प्लस Z which is equal to 180 degree y Because they are now forming linear pair form कर रहे एक line पे बनने वाले angle का sum 180 degree होता है angle one आपका कितना है 50 degree 50 plus Z which is equal to 180 and Z will be equal to now one 180 minus 50 which is equal to 130 degree so in this way you will find the value of Z now what about the value of x and y so for that you need to find the value of x so what do you have to do 50 plus x is equals to 180 degree because adjacent angles of uh, parallelograms are supplementary. So, x will be what 180 minus 50 which is equal to 130 and similarly x is equals to y which is equal to 130 degree because they are opposite angle of parallelogram. So, in this way you can solve the particular riddle or particular question. Okay. नेक्स्ट हम आते हैं इस फिगर पे नेक्स्ट इस फिगर में देखिए हमें क्या क्या दिख रहा है ये यहाँ पे 90 डिग्री है दिस इज 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से ठीक है मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल है एक्स मुझे पता है थर्टी डिग्री मुझे पता है तो ये एक्स प्लस थर्टी डिग्री प्लस वाई विच इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ये इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात हो रही है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एक्स वाई और ये थर्टी डिग्री तो एक्स मुझे पता चल चुका है थर्टी डिग्री मुझे ऑलरेडी पता है और वाई मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन्टी प्लस थर्टी प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी वन ट्वेंटी प्लस वाई विच इज इक्वल टू वन एटी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी

So, X कितना निकाला मैंने अभी एक्स हंड्रेड है वाई एटी है प्लस ये भी एटी है प्लस एंगल 1 है डिग्री तो ये, uh, ये। ठीक है तो यहाँ पे देखो ये आपका कितना हो जाएगा वन सिक्सटी प्लस हंड्रेड दिस इज टू सिक्सटी प्लस एंगल वन विच इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी Angle one will be equal to three sixty minus two sixty, which is equal to hundred. Angle one, if hundred, then you need to find the value of Z. Angle one plus Z, which is equal to one eighty degree, and Z will be equal to one eighty minus hundred, which is equal to eighty degree. Okay, in this way, you can find out the value of Z. In the another case, what do you have to do here? Y will be equal to one one two y will be equal to 112 degree y they are forming opposite angle of parallelogram so you can write they are forming opposite angles of parallelogram okay after that uh, what do you have to do now in the next part this is a triangle you can see over here that uh, in this particular triangle x plus y plus 40 degree which is equal to 180 degree because uh, sum of angle of triangle is 180 degree. So, this x will be x only, y will be 112 plus 40 degree which is equal to 180 x plus. एक्स विल बी इक्वल टू वन एटी माइनस ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है सो इन दिस वे वील कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर टू अनोन वैल्यूज जो थी वो हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे बहुत ईजी तरीका है फाइंड करने का

and what you have to do you have to just ask question is asking about ki angle d or angle b ka jo sum hai kya ye 180 degree ho sakta hai may or may not be yes हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ऐसा नेसेसरी नहीं है कि होगा ही बट हाँ हो भी सकता है कंडीशन हो कि वो 180 degree के बराबर हो सकता है तो हम इसमें श्योरिटी नहीं रखेंगे इट्स में कंडीशन में या मे नॉट आ जाएगा नेक्स्ट इज व्हाट कि अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रलेटरल है तो क्या ये पैरेललोग्राम का एक केस बन सकता है अगर ए बी और सी डी जो है वो 8 8 सेंटीमीटर हो तो ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज व्हाट ए डी आपका 4 सेंटीमीटर है ये आपका 4.4 सेंटीमीटर है तो आंसर इज सिंपली नो Why? because opposite sides of parallelogram are equal. opposite sides sides of of parallelogram are case, degree, hai, of parallelogram are equal. So no, parallelogram are equal equal ठीक है सेवेंटी ही होना चाहिए बिकॉज अपोजिट ऑफ पेलोग्राम आर इक्वल सो आंसर इज नो बिकॉज अपोजिट ऑफ पेलोग्राम आर इक्वल और इक्वल नहीं होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा नो no. कि ये जो एबीसीडी कोडिलेटर है वो कभी भी पेरलोग्राम का केस नहीं हो सकता नेक्स्ट अ रफ फिगर किसका फिगर हमें draw करना है ड्रॉ रफ फिगर ऑफ कोआर्डिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम तो नहीं होगा बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर अपोजिट एंगल है इक्वल मेजर के ऐसा एंगल कौन सा होता है या फिर ऐसा फिगर कौन सा होगा तो ऐसा फिगर हमारा सरपेकी होता है वो होगा काइट का ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट योर रफ स्केच स्केची आपको बनाना था नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव से इज़ अ मेजर ऑफ figure of quadrilateral that is not uh, the measure of adjacent angles of parallelogram. Adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3 is to 2 find the measure of each angle of the parallelogram. So, if ratios make given it, so what do you have to do? Let one angle be 3x and the other be 2x. If they are adjacent to each other then the sum of their angles will be equal to 180 degree because adjacent angles are always supplementary in case of parallelogram so 5x will be equal to 180 degree x will be equal to 5 180 divided by 5 5 3s are 15 5 6s are so x is equals to 36 degree for uh, finding the angles one angle b 3x which is equal to 3 into 36 which is again equal to 3 6 18 3 is 9 10 1 0, 8 and what about 2x 2 into 36 which is equal to 72 degree. So, one of the angle is 108 degree and another angle is 72 and respectively opposite angles of a parallelogram are equal that's why two angles are 108 and two angles are 72 degree. Next is question number six. Question number six says that the measure of two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Means if I have a parallelogram, I have suppose, then these two angles' measure is the same. So now I have to find each angle's measure. This is question number six. Question measure of two adjacent angles of is question number So so x plus x will be equal to 180 degree and 2x will be equal to 180 degree x will be equal to 180 divided by 2 which is equal to 90 degree

तो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे ये क्या हो जाएगा एंगल वन प्लस सेवेंटी डिग्री विच इज इक्वल टू वन एटी डिग्री वाई बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ठीक है तो वापस मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको नीचे थोड़ा ढंग से वन प्लस सेवेंटी डिग्री विच इज इक्वल टू वन लीनियर पेयर दिस इज क्वेश्चन सेवन ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंगल 1 विल बी 180 minus 70 व्हिच इज इक्वल टू 1110 डिग्री तो इस तरीके से ये आपका एंगल 1110 डिग्री आ चुका है मैं यहां पे इसे रिप्लेस कर देती हूं देखिए यहां पे मैंने इसे रिप्लेस कर दिया ये 1110 है आपको फाइंड करना है x x इज इक्वल्स टू 1110 व्हाई बिकॉज़ दे आर फॉर्मिंग अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम तो x की वैल्यू भी अब आपके पास आ चुकी है यहाँ पे ठीक है अगर x की वैल्यू आ गई है ये फोर्टी डिग्री गिवन है तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं बट इसे फाइंड करने की नीड नहीं है आप देखिए और क्या आप लगा सकते हैं यहाँ पे लॉजिक यहां देखो ये यह वाली जो लाइन आ रही है ये वाली लाइन यानी इस तरीके से एक लाइन बन रही है आप यहाँ देख सकते हैं ये अगर फोर्टी डिग्री है ये भी क्या हो जाएगा फोर्टी डिग्री वाई बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इस प्लेस पे एक्चुअली में क्या है एक्चुअली में वाई है तो आप क्या लिख सकते हो वाई विल बी इक्वल टू फोर्टी डिग्री वाई बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर और क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो y तक की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है मुझे अल्टीमेटली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है z की तो अब क्या होगा एक ट्राइंगल है एच ओ पी ठीक है इन ट्राइंगल एच ओ पी अगर मुझे y की वैल्यू पता है z निकालना है और वन वन टेन डिग्री ऑलरेडी पता है तो क्या मैं z निकाल सकती हूँ यस yes, बिल्कुल निकाल सकती हूँ y अभी कितना निकाला मैंने y मेरा आ गया फोर्टी डिग्री so 40 plus z z plus z uh, z which 180 minus 150, which is is equal 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 to 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 degree degree or this will will be be and what equal to थर्टी degree तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर आप, आप एक्स की वैल्यू आपकी वन हंड्रेड टेन आ चुकी है वाई की वैल्यू आपकी 40 डिग्री आ चुकी है with the help of alternate interior angle and with the help of angle sum property you'll find the value of z which is equal to 30 degree now we'll um, switch to the next question question number 8 question number 8 says the following uh, guns and uh, name this parallelogram also runs two parallelograms are given in which you have to find the unknown value by using a suitable property so what do you have to do first of all this 3x will be equal to 18y because they are forming opposite sides of a parallelogram so what do you have to do x will be equal to 18 divided by 3 which is equal to 6 so x equals 6 so x 6 the next is 3y minus 1 which is equal to 26 and 3y which is equal to 26 plus 1

x plus y, आपको 16 दे रखा है y की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, तो आप क्या लिख सकते हैं x इक्वल इक्वल टू टू तो यहां पर x की की. तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आ गया आपका थ्री आ गया आपका थर्टीन इस तरीके से आप x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन and question number nine says that two quadrilaterals are given respectively risk and clue you need to find the value of x what do you have to do first of all if this is 70 degrees so this is uh, the first of all we'll separate out two uh, quadrilateral this is the first quadrilateral okay this is the first one and uh, this is the second one this is the second one okay so what do you have to do if this is 70 degree then this will be what this will be also 70 degree why angle l is equals to angle e in clue parallelogram angle l is equal to angle e y because they are Opposite angle of parallelogram. Opposite angle हो जाएंगे अपोजिटोग सेवेंटी ये, ये भी सेवेंटी हो गया ठीक है ये सेवेंटी हुआ तो आपका यहाँ पे ये वन ट्वेंटी है तो ये भी वन ट्वेंटी हो जाएगा देखिए ये देखो ये आपका क्या है एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ पेडलोग्राम है तो ये

डिग्री अगेन अपोजिट एंगल ऑफ पेलोग्राम तो इन ट्राइंगल दिस इज ओ नाम दे दो इन ट्राइंगल ई एस आपका सेवेंटी प्लस सिक्सटी प्लस एक्स विल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है ये वन थर्टी हो गया वन थर्टी प्लस एक्स विल बी इक्वल टू वन एटी और योर एक्स विल बी इक्वल टू

So question number eleven says that find the angle of C. Ye angle C to find करना in which your AB is parallel to DC. This condition given hai. To is condition ke basis pe, what do you have to say is that sum of interior angle which is equal to one eighty degree. So angle B plus angle C which is equal to one eighty degree. And what do you have to do angle B is already given to you one twenty degree and angle C you have to find out so angle c will be 180 minus 120 which is equal to 60 degree so in this way you can find out the value of angle c now last question of this particular exercise the so question 12 says that in this particular case pqrs figure you need to find the angle of major angle p or angle s what do you have to do in case of trapezium or in case of that uh, particular figure what do you have to do adjacent sides of something is uh, equal to adjacent sides of trapezium or you say interior angle of trapezium is equal to 180 degree if this is 130 degree and this is angle 1 or this let us say this is angle x so what do you have to say 130 plus angle p which is equal to 180 degree and angle p will be equal to 180 minus 130 which is equal to 50 degree this is what you can find the value of P. Now, what about this is uh, 90 degree, this R is 90 degree. So, you can say that angle R plus angle S will be equal to 180, and this 90 plus angle S which is equal to 180 degree, and angle S will be equal to 180 minus 90, which is equal to 90 degree. So, in this way, your angle P should be equal to 50 degree, and angle S should be equal to 90 degree. सो so, इसी के साथ दोस्तों ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक like जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और जो कलीग्स हैं उनके बीच में और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन चैनल के रिगार्डिंग मिलते रहें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ